खबर रीवा से है, जहां गत दिवस चोरहटा हवाई पट्टी से महज 1 किलोमीटर दूर उमरी गांव में प्रशिक्षण दे रहा 2 सीटर प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके मुख्य पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रशिक्षण ले रहा छात्र घायल है, जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद संभागीय अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य महकमा अस्पताल पहुंचा था, जहां घायल छात्र के उपचार में जुटा हुआ है। वहीं उक्त मामले की जांच करने के लिए 2 सदस्यीय स्पेशल टीम मुंबई से घटना स्थल पहुंची है। टीम शुक्रवार की शाम रीवा पहुंची थी, लेकिन अंधेरा होने के चलते शनिवार की सुबह चोरहटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव पहुंचकर ब्लैक बॉक्स सहित अन्य बिंदुओं की जांच कर रही है। आपको बता दें कि फाल्कन एम्बिशन एकेडमी का 2 सीटर विमान गुरुवार की रात्रि करीब 11 बजे पेड़ में टकराने के बाद मंदिर के गुंबज पर गिरा था, जिसका ऊपरी हिस्सा तोड़ते हुए जमीन पर आया था और उसके परखच्चे उड़ गए थे। उक्त जांच के बाद लापरवाही पाए जाने पर ट्रेनिंग एकेडमी के ऊपर कार्यवाही हो सकती है। वहीं मृत पायलट के परिजनों के रीवा पहुंचने की जानकारी मिल रही है, जिसके बाद अब मृत पायलट विमल कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मीडिया से हमें वायर मार्क्स।